लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय हो ब्रिजवान नंदिनी की, जय हो बरसाना धाम की, जय हो सभी भक्तों की, सभी ब्रजवासियों की, और सबसे ज्यादा आज के आनंद की। श्री लाडली लाल विजयते तराम ब्रिजवान दुलारी की जय हो। आप सभी भक्तों को बरसाना धाम श्री राधा रानी निज महल से प्यार भरी राधे राधे। महल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक बार आप पूरे महल का नज़ारे का आनंद लीजिए और दूसरी तरफ भक्तों की चर्चा हो रही है, वहाँ भी आप दर्शन कीजिएगा। एक तरफ भक्तमाल है, दूसरी तरफ भक्तों की चर्चा है, दोनों का आप आनंद लेंगे हमारे पेज से। तो आप सभी शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। मानसिक रूप से आप श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए और यहाँ जो ध्वजा है वो गाना देखो, देखो यही ना, वो लाडली जू के निज महल में श्री जी के शिखर पर लगी हुई है। और मौसम इतना ठंडा है कि आप समझ सकते हैं कि लाडली जू की जो सैन है वो ठीक 8 बजे हो जाती है। यहाँ से आप मोक्ष द्वार के भी दर्शन कीजिए और सैन का समय आपको पता ही है लाडली जू के महल का कैसा होता है। भक्तों की बहुत कम भीड़ होती है लेकिन आप तो घर बैठे ही श्री जी की सैन का आनंद लेते हैं और लाडली लाल जू के महल का आपको नित्य प्रति जो आनंद आता है उसका भी सच में अद्भुत आनंद है। तो अब हम महल के अंदर की ओर चलेंगे और जो महल के दर्शन हैं वो हम आपको कराएंगे, स्वामी जी पर मत्था टेकवाएंगे, हमारी गौ माता पर और तुलसी माता के चरणों में भी आपकी हाजिरी लगाएंगे। तो आप सभी भक्त एक बार लाइव से जुड़ जाइए और उसके बाद हम हमारे प्रेमदास बाबा के लिए हमने चमन प्रास भी लाया गया है और पुजारी जी के लिए जो पुजारी जी ने कल हमको आदेश दिया पात्रों की सेवा दी थी वो भी आज इस लाइव के माध्यम से की जाएगी। और देखिए यह जो ये डिब्बे में जो दूध आ रहा है वो लाडली जू के लिए सैन के समय जो दूध का जो भोग लगता है वो यह दूध ये गौशाला से आता है। हमारी लाडली जू गाय का दूध पीती है क्योंकि हमारे महल में गाय के दूध की खीर बनती है और गाय का दूध ही उपयोग में होता है। हम अंदर भी चलेंगे, अंदर चौखट के दर्शन करेंगे और अभी प्रेमदास बाबा शायद किसी सेवा में व्यस्त हैं तो कोई नहीं, वो जब तक सैन आरती होती है तब तक तो वो आ जाते हैं तो हम उनसे भी मिलेंगे क्योंकि उनके लिए जो चमनप्रास की जो सेवा है वो देनी है और भी पुजारी जी के लिए जो हमने सेवा रखी थी जो भक्तों के द्वारा थी, जो नाम तो खैर नहीं है उसमें किसी का क्योंकि भक्त ने नाम लेने से मना किया, लेकिन फिर भी जो सेवा रखी है वो बिल्कुल पुजारी जी तक पहुंचनी चाहिए। और हमने यहाँ नंबर पिन भी किया हुआ है, जो मेरा नंबर है वो 9058919447। ये मुझे आप पर्सनली जो भी कुछ सेवा या सवाल पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा जो नंबर है वो
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए है, वहाँ भी आप जुड़कर जो नित्य प्रति जो लीलाएं होती हैं, देखिए वहाँ की लीलाएं बड़ी ही आनंदमयी होती है, क्योंकि नित्य प्रति हमारे कृष्ण भैया हैं जो कि आप सबको वो सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। और अब तो हम भी अपडेट रहेंगे उस ग्रुप में, क्योंकि काफ़ी दिन से सेवा में व्यस्त थे तो ग्रुप में नहीं दे पा रहे थे समय, लेकिन अब हम ग्रुप में पूरा टाइम देंगे, क्योंकि जो भक्तों की चर्चा है, जो लीला है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोली राधा रानी की जय, विश्वान नंदिनी की जय हो। सभी भक्तों हमारे इस लाइव से जुड़कर जो आनंद ले रहे हैं, सच में आनंद बहुत ही आता है। और आज हमने जैसा कि आपको बताया था कि आज हम एक और संत से मिलने वाले हैं जो कि श्री जी की सेवा में हमेशा लीन रहते हैं। श्री जी की उनकी जो सेवा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ संतों के दर्शन करते हैं, और जो सामान है वो भी देखिए आ चुका है। ये जो पात्र हैं और बाबा का चमनप्रास है ये आ चुका है, ये भी हम देंगे बाबा को। बाबा के अभी दर्शन नहीं है, बाबा कहीं व्यस्त हो गए किसी सेवा में। तो आप यहाँ सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन कीजिए। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और अगर हम अंदर की ओर चलें तो वहाँ आप दर्शन कीजिए श्री जी की चौखट के, और वीडियो शेयर करते रहिए, और श्री लाडली लाल की जय भी बोलते रहिए। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी की उस दिव्य चौखट के, जिसके दर्शन करने से एकमात्र जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप देखिए लाइव में बने रहिए, क्योंकि लाइव में अभी स्पेशल मोमेंट अभी बाकी हैं, लीलाएं अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी पुजारी जी से भी मिलना है, उधर संत भगवान से भी मिलना है, तो लाइव बहुत ही स्पेशल होगा। तो आप हमारे लाइव से जुड़कर जो लीलाएं हैं वो आप जान पाएंगे। तो यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी के। और चलिए पहले हम आपको उस तरफ की ओर लिए चलते हैं जहाँ गौ माता के दर्शन हैं और स्वामी जी महाराज की स्थली है, वहाँ आपको दर्शन कराते हैं। और उसके बाद हम आपको प्रेमदास बाबा की कुटिया की ओर लिए चलेंगे। अगर बाबा यहाँ होंगे, नहीं तो दूसरे स्थान पर होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ उनसे मिलेंगे और चर्चा भी करेंगे उनसे। और जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें कुछ नया उनसे मिलता है, और वो भी हमें नित्य प्रति कुछ नया ही है, हमको बताते हैं। इधर भी संतों की चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ भी संतों के दर्शन। तो यहाँ सबसे पहले हम स्वामी जी महाराज के दर्शन कीजिए। जय हो स्वामी जी महाराज के। और देखिए जो जो प्रसाद है वो लाडली जी का राजभोग का प्रसाद है, ये जो चावल कढ़ी और जो चटनी है ये सब राजभोग के प्रसाद में लगते हैं। तो आप यहाँ मत्था टेकिए और अपनी हाजिरी स्वामी जी महाराज के चरणों में लगाइए, और राधे राधे बोलते रहिए। यहाँ से हमारी गौ माता के दर्शन कीजिए।
गोपाल जी के लिए ऊन की पोशाक बन चुकी है, गौ माता के लिए भी जो स्वेटर है वो बन रहा है, जो ब्लैंकेट के जरिए जो बन रहा है। आप ज़रूर शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और हम अंदर की ओर चलेंगे और मिलेंगे संत भगवान से और जानेंगे उनकी लीलाओं के बारे में और जल्द ही वो जो सेवा थी पुजारी जी के गद्दों की सेवा थी वो भी पूरी होगी। आज हमने जो अमाउंट था वो पूछा था, महाराज जी राधे श्याम राधे। ओ महाराज जी राधे। आखिर में बाबा के दर्शन हो ही गए। बाबा चमनप्रास आपका आ गया है, अभी चमनप्रास अभी हम ले आए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बाबा को दंडवत करते हैं। बाबा सभी भक्त दंडवत कर रहे हैं। राधा रानी कहते हैं राधा रानी पर कृपा, सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे आपकी। बाबा यहाँ एकांत में बैठकर भजन करते हैं और यहीं इसी स्थान पर बैठकर बाबा श्री जी के लिए पान बीड़ा बनाते हैं और इस जो सिल है यहाँ बाबा श्री जी के लिए इत्र प्रसादी बनाते हैं। और देखिए ये है हमारे अनु बाबा अनुराग बाबा। लड्डू बनाए अनु बाबा, इधर आइए। आज देखिए जो हमारे अनु बाबा हैं वो भी श्री जी की सेवा करते हैं। श्री जी की जो इनकी जो सेवा है वो भी हम आपको आज बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी सेवाएं होती हैं जो ये लाडलीजू के लिए करते हैं। और इनका देखिए कोई चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ जो सेवाओं का चार्ज पता है क्या लेते हैं, वो लेते हैं सिर्फ राधा रानी का महाप्रसाद। राधा रानी के महाप्रसाद के लिए ये सब करते हैं। तो अनु बाबा सभी भक्त जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए और श्री जी ने आपके जीवन में कौन से वो चमत्कार करे कि जिस वजह से आप बरसाना में रहे और लालजू के प्रति इतनी भक्ति जो आपकी बनी रही वो किस तरह से बनी रही, इसके बारे में सभी भक्त आपसे जानना चाहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अनु बाबा से। अनु बाबा सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए और आपको यहाँ किस रूप में लालजू ने लाया गया, कैसे कोई स्वप्न मिला, कैसे मिला सभी आप भक्तों को बताइए। बंगाल से आए। अच्छा बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। इस्कॉन मायापुर, मायापुर जिला से आए। अच्छा वाह। राधा रानी की कृपा से जी। राधा रानी खींच के लाया जी, बिल्कुल। उसके बाद जब तुम सबसे पहले बरसाना धाम में आए तो सबसे पहले लालजी जू ने तुम्हें कौन सी सेवा करने का मौका दिया? अच्छा सबसे पहले लालजी जू ने तुम्हें चरणामृत की सेवा दी। अच्छा सबसे पहली सेवा इनको चरणामृत की सेवा दी गई। अच्छा और उसके बाद? उसके बाद धीरे-धीरे फूल माला बनाता। अच्छा फिर वहाँ लालजी जू की फूल माला की सेवा मिली। देखिए बहुत बड़ी सेवा है जो इन्हें मिली, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद इनको पूरी बनाने की सेवा मिली, सब कुछ की सेवा मिली जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद अभी चंदन प्रसाद। अच्छा देखिए एक सेकंड, देखिए अभी जो इनको जो सेवा फिलहाल में इनकी जो पेटेंट जो सेवा चल रही है वो लालजू के चंदन की सेवा चल रही है। बाबा नित्य प्रति श्री लालजू को चंदन की सेवा घिस कर बनाते हैं। और उसके बाद अब लड्डू जो खीर सा जो लालजी जू को देखिए, जो लालजी जू को जो बंटा भोग का जो लगता है ना, जो श्री जी को सबसे प्रिय है वो भी ये बाबा बनाते हैं। तो सच में इनके चरणों में दंडवत, क्योंकि जो इनके हाथों से लालजी जू इनके हाथों से बने। एक बार हाथ दिखाइए, देखिए। नहीं उसको रहने दीजिए, अपने अपने माला की लग गया इसमें। ओहो देखिए इनके हाथों को सच में दंडवत, देखिए इनके हाथों में किस तरह से लगा हुआ है, फिर भी ये लालजी जू के लिए चंदन घिसते हैं और हाथ से लड्डू बनाते हैं, खीर सा बनाते हैं। बाबा सच में आपका जीवन लालजू के लिए अर्पित है। सच में महाराज जी ऐसी भक्ति लालजू के लिए कहाँ से सच्चे भक्तों के द्वारा मिलते हैं। और बंटा भोग लगाते हैं और उसके बाद भो,
अच्छा चलिए अब आपको पुजारी जी दूध के लिए बुला रहे हैं, दूध के लिए बुला रहे हैं, जाइए आप। हाँ पुजारी जी इनको जो है दूध के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि दूध का भोग ये लेकर आएंगे, जब दूध लेकर आएंगे तो पुजारी जी को ये दूध देंगे, और उसके बाद महाराज जी मैं भी लेकर आता हूँ, है ना। अभी आप गोसाई जी जय हो जय हो जय हो, क्या सामान आ गया। अच्छा कल से खिचड़ी, हमें भूस तो आया ना, हैप्पी तो हम सबसे पहले बाबा को वो देते हैं, पात्र देते हैं। महाराज जी आप बैठ जाइए, यहीं बैठे रहिए, मैं यहीं देता हूँ, और उसके बाद हम पुजारी जी के लिए जो स्टील के बर्तन हैं वो पात्र देंगे। आप सभी शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। आ गए चाची अभी दे रहा। मेरे गेस्ट भी आ गए। अच्छा कोई कोई बात नहीं, नहीं बर्तन तो आ गए, गद्दे कल आ जाएंगे, ठीक है। और गोसाई जी तो देखिए ये सामान भी आ चुका है, जरूर हम इसमें महाराज जी ये चमन प्रास जय हो, और राधे श्याम महाराज जी, और जो भी कोई सेवा हो जरूर आप हमें बताइएगा, और भक्तों पर आशीर्वाद, राधा रानी कृपा, राधा रानी। अच्छा जी बिल्कुल, राधा रानी जरूर दर्शन दें सभी भक्तों को, बाबा का यही मानना है कि कृपा है वो बनी रहे। महाराज जी ये जब खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आप हमें बताइएगा, और भी और जो भी जरूरत हो महाराज जी, जो भी टोपे की, स्वेटर की, या फिर इनर की, जो भी आपको जरूरत हो। वैसे तो महाराज जी ऐसे वस्त्रों में रहते हैं, देखिए ये संत सेवा है, जो भी आपको जरूरत हो आप जरूर हमसे बताइएगा। और महाराज जी का जीवन आपने जाना ही था कि किस रूप में महाराज जी ट्रेन से चलकर आए, बीच में मुसलमान मिले, जो मुस्लिम लोग मिले महाराज जी को पकड़ लिया, डकैत लोग मिले महाराज जी को पकड़ लिया गया, ऐसी ऐसी लीलाएं हुई उसके बाद, सब उनकी कृपा है उसके बाद। लेकिन सबसे पहले इनको जो बास मिला वो वृंदावन का मिला। देखिए जिस किसी भक्त को अगर वृंदावन का बास मिले तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि लाडली जू तभी अपनाती है जब उन्हें पहले वृंदावन बास देती है। सबसे पहले भक्तों को वृंदावन बास देगी, उसके बाद लाडली जू बरसाना धाम बुलाती है। सबसे शुरुआत में अगर कृपा ऐसे नहीं होती, सबसे पहले तो वृंदावन ही जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें लाडली जू के महल में आना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक बार श्री जी की, हाँ नाम भी है, नाम की क्या जरूरत थी। चलिए कोई बात नहीं, हम एक चीज और आपको दिखा देंगे, जो कि महल में है एक आईना लगाया गया है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे जरूर। आप नीचे लिखा हुआ है नितिन सवरिया गोस्वामी जी, गोस्वामी जी के द्वारा लगा हुआ है, बहुत अच्छी सेवा है। महल में तो सिर्फ राधा नाम होना चाहिए, जैसे ही आप सभी श्री जी की चौखट के दर्शन कीजिए, और जो कि गोस्वामी जी द्वारा एक, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक आईने लगा हुआ है, उसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी के लिए कि जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा एक लाडली जू के महल में एक आईना लगवाया है। आप देख सकते हैं ऊपर बांके बिहारी और नीचे नितिन सांवरिया गोस्वामी, जय हो गोस्वामी जी, जो आपने यह सेवा श्री जी के महल में करी। बांके बिहारी परिवार के द्वारा जो भी सेवा हुई बहुत बहुत धन्यवाद, जो श्री जी के महलों में, श्री जी के महल में सेवा रखी गई, बहुत ही सुंदर भाव है बांके बिहारी जी और नीचे नितिन सांवरिया गोस्वामी जी। चलिए बहुत सुंदर भाव होने भी चाहिए, ऐसे ही श्री जी के महलों में सेवाएं होती रहें, लाडली जू सभी भक्तों पर कृपा करती रहे। और बर्तन दीपक, हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए कुछ तो सेवा हुई श्री जी के महलों में, कोई भी सेवा हो
लो चाची ये ठीक है भगवानी, ये तीन भगवानी। अरे बांट नहीं रहे भाई, हम कहाँ बांटेंगे। और ये पांच कचरी हैं, ठीक है, पांच कचरी नहीं नहीं बड़ी वाली है ये, मैं इसलिए ना इसका हैंडल बड़ा वाला लेकर आया हूँ, ठीक है। ठीक है सर, तीन से कम हो जाएगा ना। हाँ दाल कढ़ी चावल के लिए, नहीं वो उसके लिए तो है लेकिन जब पूरी बाल्टी भरी है। हाँ तो थोड़े थोड़े के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दिक्कत है। चलो चलो ठीक, चलो। और गद्दे भी आ जाएंगे कल, कल गद्दे आ जाएंगे। कई दिन से रहे थे, हाँ एक दिन और सही। चलिए कोई नहीं, कल आपके गद्दे आ जाएंगे, राधे राधे। हाँ बैग आप ले लो, कोई बात नहीं, अगर बैग में रख दो। हाँ पन्नी फेंक दो, पन्नी। देखिए ऐसे ही सभी भक्तों श्री जी के महलों में, देखिए श्री जी, पहले भी मैंने कहा लाडली जो बड़ी बड़ी सेवाओं से नहीं रिझती है, रिझती है तो वो बहुत छोटे छोटे सुंदर भावों से रिझती है। क्यों महाराज जी? श्री जी बहुत छोटी छोटी सेवाओं से भी रिझ जाती है। जरूरी नहीं है कि उन्हें बहुत बड़ा धन देकर या हीरा या गोल्ड देकर मनाया जाए। जैसे महाराज जी पुजारी जी खुश तो श्री जी खुश, क्यों पुजारी जी खुश, पुजारी जी खुश नहीं होंगे तो श्री जी खुश नहीं होंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि देखिए पुजारी जी अगर प्रसन्न रहेंगे तो लाडली जी प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल महाराज जी ने भी बिल्कुल सत्य कहा कि बिना पुजारी जी के तो श्री जी भी खुश नहीं होते, तो बिल्कुल सत्य है बात है। तो ऐसे ही आप सभी भक्त श्री जी की ये छोटी छोटी सेवाओं से हम लाडली जी के करीब आ सकते हैं, लाडली जी का प्यार पा सकते हैं। और अभी श्री जी की शयन आरती हो रही है, और जैसे कि कल पुजारी जी के लिए गद्दों की सेवा है, क्योंकि सर्दियों के टाइम गद्दे वो रजाई पर सोते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, तो कल उनके लिए गद्दों की व्यवस्था भी की जाएगी। वैसे भक्तों ने जो भी थोड़ी थोड़ी जो सेवाएं भी की है, जरूर उनकी सेवा श्री जी तक पहुंचेगी। और पुजारी जी साक्षात श्री जी का आधा रूप होते हैं, ललिता सखी एक विशाखा सखी के रूप में पुजारी जी होते हैं, वही उनका श्रृंगार करते हैं। और देखिए घंटी भी बज चुकी है महाराज जी, राधे श्याम, जय हो राधे श्याम। तो देखिए बिल्कुल घंटी भी गवाही दे चुकी है कि पुजारी जी उनका आधा स्वरूप। महाराज ये ना खत्म हो जाए तो फिर भी मुझे बता देना है जल्दी, और सुबह शाम दोनों टाइम खाना दूध के साथ, ठीक है। तो देखिए घंटी आप सुन रहे हैं, देखिए ये जिसे हम हेल्प नहीं कहेंगे ये सच में एक सेवा है। और देखिए मैं यहाँ से एक बार जूम करता हूँ तो वो आप उस बिटिया के भी दर्शन कर सकते हैं जो कि नित्य प्रतिनित महल में शयन आरती के लिए आती है। इतनी छोटी उम्र में भी वह श्री जी के महल की शयन आरती करती है, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है कि श्री जी, ये उनके पिताजी हैं और वो नित्य प्रति श्री जी के महल में आकर यह सेवा करती है। और छोटी सी उम्र में ये सेवा इतनी बहुत बड़ी सेवाएं होती है, और ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। और सामने आप जो देख रहे हैं वो हमारी श्री लाडली जी के महल का वो प्यारा सा चित्रपट है जहाँ प्रिया प्रीतम एक दूसरे को पान बीड़े का भोग लगा रहे हैं। पान बीड़े का भोग है और एक दूसरे के नीचे ललिता सखी बैठी हुई हैं। और एक चीज और कि
हमारे जो भक्तों के द्वारा जो सेवा दी जाती है, तो मेरा तो बस यही मानना है, मैं बोलता भी हूँ कि आपका नाम, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, भैया हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं जो अपना नाम लाइव में बुलवाएं, हम कौन होते हैं जो अपना नाम पूरे सबको बताएं। देखिए हम तो सिर्फ एक छोटी सी सेवाएं करते हैं, ये सेवा गुप्त की सेवा है, ये नाम लेने से हमें श्री जी तक तो नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए हमारा तो गुप्त में नाम हो। ये बर्तनों की भी सेवा गुप्त की सेवा है, और जो गद्दों की भी जो सेवा होगी वो भी गुप्त दान की सेवा होगी, और अभी श्री जी का जो मोक्ष द्वार खुला हुआ है, अभी खुलने वाला है, देखिए श्री जी का मोक्ष द्वार खुल चुका है, आप सभी लाइव के माध्यम से श्री जी की शयन आरती करेंगे, और लाडली जी की शयन आरती में बहुत ही आनंद आएगा, आप सभी शेयर करते रहिएगा, और जो भी भक्त श्री जी की पुजारी जी की जो सेवा है, जो कि गद्दों की जो पुजारी जी ने बोली है, ये कल पूरी करनी है, जो भी अगर भक्त करना चाहे तो मेरा जो नंबर है 9058919447 पर मुझे पर्सनली मैसेज करके बात कर सकता है। और यहाँ भी हमारी एक बंदरवार लगी हुई है, मेरी राधा रानी, तो आप सभी प्यार से बोलिएगा मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। और इधर देखिए मैं एक बार, और ये देखिए उनकी माता जी हैं, धन्य धन्य वो माता जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है, ये दोनों बच्चे हैं, एक तरफ बेटी है एक तरफ बेटा है, धन्य धन्य है वो माता जो ऐसे बच्चों को ऐसे संस्कार देती हैं, जो इतनी छोटी उम्र में खिलौनाओं खेलने की उम्र में माला झोरी हाथ में लिए रहते हैं। तो अभी यहाँ शयन के समय भक्तगण आना स्टार्ट हो गए हैं, और लाडली जी की शयन आरती होगी, और सभी कमेंट करके एक बार ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा कि लाडली जी ने अब शाम के टाइम कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। और यहाँ हम बाबा सोल पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और यहाँ देखिए बाबा का सच में प्यारा सा टोपा, वो प्यारी सी मुस्कान बाबा की बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ हमें संतों के भी दर्शन मिल रहे हैं, और आप श्री जी के महल से रात्रि के समय शयन आरती का आनंद लेके शुभ रात्रि मनाते हैं अपने। आपके पूरे दिन में जितने भी अगर आपसे गलतियां भी हों, तो आप रात्रि में लाडली जी के महल से अपनी हाजिरी लगाकर उन गलतियों को श्री जी के सामने रखते हैं, और श्री जी आपको माफ़ करती है। और उधर हमारे भंडारी बाबा, बल्कि दो तीन दिन से हमें नहीं नज़र आ रहे थे कि कोई भक्त, इनके लिए भी एक स्वेटर लाया था, और महाराज जी के लिए भी एक स्वेटर लाया था, महाराज जी राधे श्याम जय हो जय हो। तो आज इनके भी हमें दर्शन हो गए, आप शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, जय हो लाडली लाल की। पहले हम दर्शन करते हैं फिर उसके बाद हम आपको लोरी सुनाएंगे, जय हो लाडली लाल की। लाडली लाल की जय हो। जय हो मेरी श्यामा प्यारी की, जय जयकार हो लाडली लाल की जय हो। तो श्री जी की शयन आरती चालू हो गया। नैनो में नींद भर आई किशोरी झुके, नैनो में नींद भर आई किशोरी झुके, कोनो किशोरी झुकू दूध पिलावे, कोनो किशोरी झुकू दूध पिलावे, कोनो खबा वे मलाई श्री राधे झुको, नैनो में नींद भर आई किशोरी झुके,
नैनों में नींद भर आई किशोरी जो के मैया किशोरी जो को दूध पिलावे मैया किशोरी जो को दूध पिलावे बाबा खबावे मलाई सिराधे चुकूं नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके भरवाई किशोरी झुके चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि बारु बारु बलिहारी सिराधे झुको नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके कौन उड़ावे रजाई किशोरी झुको कौन उड़ावे रजाई किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके किशोरी झुकू से जो सजावे ललिता किशोरी झुकू से जो सजावे विशाखा उड़ावे रजाई किशोरी झुकू उड़ावे रजाई किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई किशोरी झुको झुकू चोरी सुनावे कौन किशोरी झुकू लोरी सुनावे कौन दबावे कौन चरण दबावे किशोरी झुकू नैनों में नींद भर चोरी झुके नैनो चोरी झुक मैया किशोरी झुकू मैया किशोरी झुकू लोरी सुनावे बाबा तू चरण दबावे किशोरी झुकू बाबा तू चरण दबावे किशोरी झुकू नैनो में नींद भर आई किशोरी झुको सखी भजो बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि बार बार बलिहारी किशोरी झुको बार बार बलिहारी किशोरी झुको नैनों में नींद भर किशोरी झुको नींद भर आई किशोरी झुको मैं नींद भर आई किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई किशोरी झुको सिराधा 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 बिल्कुल सिराधा 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 बिल्कुल शांति भरा पल श्री जी के महल का कितना सुकून और कितनी शांति है आप अनुमान लगा सकते हैं श्री जी के महल में अभी शयन आरती चल रही है तो लोरी ख़त्म हो गई अभी बिल्कुल सुकून भरी घंटी की आवाज़ आप सुन सकते हैं श्री जी के महल में तो धनुरा धिका के चरण धनु धनु राधिका के सुभाग सीताल तातिस को माल सुभाग सीताल तातिस को माल कमल के से वरण धनु धनु राधिका के चरण नंद को सुतु
पाके चरण नंद को सुत मोहु दुते कारी हैं करते चलो नंद को सुत। तो आप सभी भक्त श्री जी की इस दिव्य चौखट के दर्शन कीजिए और चरणों में हाजिरी लगाइए और राधे राधे बोलकर अपने शुभ रात्रि मनाइए। सभी को राधे राधे। श्री लाडली लाल जू की जय हो, श्यामा प्यारी की, श्री विश्वान दुलारी की और महाराज जी रंडवा जय हो। चलो डांस बहुत श्री जी का कौन सुनो। चलिए अब हम चलते हैं। जय हो डंडोत डंडोत जय हो स्वामी जी महाराज की स्थली पर। वहाँ आपको मत्था टेकवाएंगे और अपना वीडियो विराम करेंगे और सेन आरती हो चुकी है। तो भक्त अपनी कुटियाओं में जा रहे हैं। देखिए ये सभी भक्त अपनी कुटियाओं में पहुंचेंगे और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो लालडी जी को सेन कराकर तब जाकर खुद सेन करते हैं। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं जो आप श्री जी के महल से जुड़ते हैं और श्री जी की लीलाएं जानते हैं और श्री जी के लिए सेवा करते हैं। और अब हम चल रहे हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर और कल हम पुजारी जी के लिए गद्दों की व्यवस्था करेंगे, गद्दे और कवर सहित, क्योंकि ठंड बहुत है। तो ज़रूर श्री जी सब पर कृपा करती है। बहुत ठंड है। हाँ आज बहुत ठंड है। ये सभी श्री जी की कृपा है जो आप सभी भक्त नित्य प्रति जो लाइव का आनंद लेते हो और बने रहते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप सभी भक्त जुड़े रहते हैं हमारे लाइव से और इतना शेयर करते हैं कि हमें भी आनंद आता है कि इतने सभी भक्त श्री जी को लोरी सुनते हैं, सुनाते हैं और फिर उसके बाद खुद सोते हैं। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हो, सच में बहुत भाग्यशाली हो आप। हम पहुंच चुके हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर। सबसे पहले हम स्वामी जी महाराज को दंडवत प्रणाम करेंगे और इनके चरणों में हम अपनी हाजिरी भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वामी जी महाराज की परिक्रमा देते हैं। जैसा कि कल हमने लाइव के माध्यम से आपको बताया भी था कि महाराज जी की क्या वजह थी जो इस महल में, जो इस ब्रह्माचल पर्वत पर महाराज ने अपने मंदिर को एक वीरान वृक्ष के नीचे वीरान जंगल में ही रखा, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि उनको कोई एक अच्छा सा स्थान भी मिले। तो हम यहाँ सबसे पहले दर्शन करते हैं स्वामी जी महाराज का। जय हो स्वामी जी महाराज की, जय हो स्वामी जी महाराज की। और हम सभी यहाँ मत्था टेकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी महाराज की स्थली के बराबर से एक हमारे नागरी दास संत भगवान है, शायद आपने कभी उनके बारे में पढ़ा भी होगा, तो उनके बारे में कल हम जिक्र करेंगे। जय हो दंडवत दंडवत। जो उनकी जो समाधि है वो बिल्कुल स्वामी जी महाराज के बिल्कुल ठीक बराबर से है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो समाधि है वो हमारे नागरी दास महाराज जी की है। यहाँ इनका एक पद भी लिखा हुआ है जिसे हम कल वर्णन करेंगे लाइव में। कल रात्रि का लाइव हमारा स्वामी जी महाराज के बराबर से जो यह समाधि है नागरी दास जी की, यहाँ हम आपको बारे में बताएंगे। तो सभी को राधे राधे। श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोल राधा रानी की जय हो। मिलते हैं 10 बजे कल फेसबुक से लाइव और 7:30 बजे कल बने रहिएगा हमारे।
साथ, क्योंकि आपके द्वारा दी हुई जो सेवा है, जो गद्दों की सेवा कल हम लाइव में पुजारी जी को देंगे, आप अगर जो भी अगर देना चाहें तो मुझे, मेरा नंबर नीचे मेंशन है, आप वहां कर सकते हैं। तो सभी को प्यार भरी राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधा रानी की जय हो।